शुरू करते हैं कुछ और बेसिक कंपाउंड से, आइसोमेरिस मेटामेरिस। मेटामेरिस कौन दिखाते हैं पहले तो ये बताओ, पॉलीवलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब मुझे ये बताएं पहले पॉलीवलेंट कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पॉलीवलेंट, अगर हम बात करते हैं ये हमारे लिए पॉलीवलेंट है, सही है। पॉलीवलेंट पोजीशंस अलग अलग हमारे लिए हो गई। क्या हमारे लिए ये पॉलीवलेंट है? हाँ ये हमारे लिए पॉलीवलेंट है। क्या ये हमारे लिए पॉलीवलेंट है? हाँ ये भी पॉलीवलेंट है। ठीक है, तो कुल मिला के हम इन सबको पॉलीवलेंट कह सकते हैं। सबसे पहले इसका ध्यान मेरे लिए ईथर में आया, ठीक है। तो हम इसको पॉलीवलेंट हम यहां बात कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शन ग्रुप में जो दोनों वैलेंसी है उनमें एल्काइल ग्रुप का ट्रांजिशन होना, पूरी तरह से नहीं चेंज हो जाना। जैसे अगर 1 डिग्री एमाइड 2 डिग्री एमाइड में चेंज हो गया तो फिर वो फंक्शनल हो जाएंगे। 1 डिग्री का 1 डिग्री रहना चाहिए, फंक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। तो ये दे सकते हैं पहले, कौन दे सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन गिवन बाय दिस कंपाउंड, गिवन बाय फॉलोइंग, कौन देगा? ये देंगे। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर है। दूसरा पॉइंट, फंक्शनल ग्रुप शुड नॉट बी चेंज। अगर वो चेंज हो गया तो गए आप, फिर आपका ये मेटामेरिस नहीं कहला के क्या कहलाएगा? फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप ग्रुप शुड बी सेम, शुड बी सेम। फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम। तीसरा, पॉइंट जो भी हमारे लिए एल्काइल ग्रुप है अराउंड पॉलीवलेंट फंक्शन ग्रुप्स आर डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से। देखो इधर मैं एमीन ले रहा हूं, एन, सारी एमीन में 1 2 3 4, हाँ ऐसा कुछ लेने की कोशिश कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाली, देखते हैं कौन किसका क्या लगता है। 1 2 3 4 5 6, बची हुई नाइट्रोजन की वैलेंसी H। एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, ठीक है एक और लेना है, एक और देखते हैं हम। तो 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादा ही हो गए, ठीक है 6 लाना है, नहीं तो कंपाउंड ही अलग हो जाएगा। एक दो तीन पक्का, और ये हमारे पास हो गए 1 2 3 6 हो गए। तो आप मेरे को बताओ ये एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स, बोलो यस, क्योंकि इनमें 1 डिग्री और एक 3 डिग्री है, ये दोनों 3 डिग्री है,
दो दो दो, जबकि यहां पर क्या था, दो तीन एक। ये एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स, आइसोमर्स। ये एक दूसरे के क्या है, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री। कैसे, एक दो तीन चार पांच छः बराबर कार्बन है। ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। ये एक दूसरे के साथ क्या है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। ग्रुप चेंज दिख ही रहा है, मेटामर्स आइसोमर्स। कौन सा वाला बेटा, देखो कितने, ये एक दूसरे के साथ क्या है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। इसके साथ ऑब्वियसली हाइड्रोजन है एक। कार्बन काउंट करो, एक दो तीन चार पांच छ, तीन तीन छ। हाँ बोलो, ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, कहाँ है, फंक्शनल आइसोमर्स है। बिल्कुल सही कहा। और ये एक दूसरे के साथ क्या है, ये भी एफ आई है। और ये एक दूसरे के साथ क्या है, ये भी एफ आई है। और ये एक दूसरे के साथ क्या है, 2 डिग्री, 2 डिग्री। अगर 2 डिग्री, 2 डिग्री आ रहा है दोनों, तो फिर एम आई। सही है, बिल्कुल सही बना दिया, कहीं कोई दिक्कत अब। अच्छा इन दोनों एग्जाम्पल को देख के बताओ मेरे को, ये एक दूसरे के एफ आई है या जी आई है या एम आई है। मैंने एम आई लिखा क्या, सही हूं मैं। ये भी एस्टर कहलाता है, ये भी एस्टर कहलाता है। फंक्शन ग्रुप चेंज हो रहा है क्या, नहीं ना। एल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है, हाँ। इसका नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, कर क्या रहा है, इतना पढ़ने के बाद इसका आईयूपीएसी नेम होगा मिथाइल, क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप यही है, तो मिथाइल पहले लिखना ही पड़ेगा। मिथाइल बेंजीन कार्बेनोएट, कार्बेन। आपको क्या लगता है, हाँ सोचिए बताओ जल्दी से। तो मैं यहां पर ओएट लगाता हूं, कार्बे ओएट हमारे पास है, कार्बेनोएट या कार्बोक्सिलेट। सही है, पक्का, कोई डाउट। इसका क्या नाम होगा, क्या ये सही है, क्या सोच के बोलो। एक्चुअल में पहले ये वाला ग्रुप दिया जाता है, ऑक्सीजन के पहले वाला। अब उन्हें कभी इसके लिए वो सही था, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके लिए आंसर क्या जाएगा, फिनाइल पहले आएगा, फिनाइल मेथेनोइट, खत्म। अब सही है, मेथेनोइट कहां आएगा, दो कार्बन है यार, कर क्या रहे हो, एथेनोइट। बस खत्म। और इसका आंसर जो आपने पहले वाले का दिया है वो है, लिखें इसको।